तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं कुछ नया स्टार्ट करने वाला हूँ अपने चैनल पे, कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ। जो मैं पहले करता था वो तो करता ही रहूँगा, एक नया चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि टेक अपडेट है। अब मैं टेक न्यूज़ या टेक अपडेट बोल सकते हैं, मैं डेली अब टेक अपडेट देने वाला हूँ, टेक न्यूज़ देने वाला हूँ जो कि डेली इवनिंग में होगी। उसमें कुछ टेक्निकल जो भी डेली हो रहा हो उसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो ये मेरे लिए नया स्टार्ट कर रहा हूँ सेटअप, तो आप ज़रूर इस पर सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। तो आगे चलते हैं। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे तो चैनल दोस्तों, पे। सबसे सेटिंग पहली चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, जो कि एक जियो की तरफ से, एक जियो ने एक गिलास लॉन्च किया गया है, इसको बोल सकते हैं एक चश्मा लॉन्च किया गया है। उसके अंदर उन्होंने करा क्या है, उसके अंदर 3D कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसमें कैमरा भी दिया हुआ है, 75 ग्राम का उसका वेट है। उसके अंदर आप क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। 25 ऐप्स उसके अंदर मिक्स्ड जो कि ऐप्स है वो इनबिल्ट रहेंगी उस गिलास के अंदर, जिससे आप कॉन्फ्रेंसिंग करने में, 3D कॉन्फ्रेंसिंग करने में बहुत ही अच्छा रहेगा, जो कि जियो की तरफ से एक नया लॉन्च सेकेंड होने अपडेट वाला है। बताने वाला हूँ दोस्तों। गूगल ने जियो के अंदर 33,737 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है, जो कि 7.7 इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, 7.7% शेयर का इन्वेस्टमेंट करा है गूगल ने जियो के अंदर, जो कि जिससे जियो के साथ कोलैबोरेट करके और कुछ अच्छा कर सकें। इंटरनेट इंडिया में इंटरनेट बहुत ज़्यादा डीपली फैला चुके हैं और उसके रेट को भी कम कर सकें। तो जी, गूगल की तरफ से एक नया अपडेट तीसरी आया चीज है बताने बताने वाला वाला हूँ हूँ। दोस्तों। जियो और गूगल का जो कोलैबोरेट हुआ है, जो कि आपको मैंने अभी उससे पहले बताया कि उन्होंने 33,000 करोड़ कुछ रुपए का करोड़ का अपना कोलैबोरेट करा है। तो दोस्तों, तीसरी अपडेट में ये बताने वाला हूँ दोस्तों, जियो और गूगल मिला के एक 5G के लिए अपना खुद का OS बनाने वाला है जियो और गूगल, एक अलग एंड्रॉयड बेस्ड OS जिसके अंदर 5G मोबाइल निकाले जाएंगे, और वो भी बहुत ही कम रेट में होंगे, मतलब ज़्यादा रेट नहीं होगा, 10 से 12 के बीच में जो कि लॉन्च किए जाएंगे जियो और गूगल की तरफ से, जो कि फिर सिर्फ 5G सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, तो जो चौथा तीसरा अपडेट बताने वाला हूँ वो है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस ने एक वन प्लस जो नोट आने वाले थे उसके कलर को बता दिया गया है कि कौन से कलर लॉन्च होने वाले, उन्होंने रिवेंट कर दिया गया है। उसमें 2 कलर लॉन्च होने वाले हैं, एक ग्रे कलर होगा, एक ट्रीट वेरिएंट में होगा, जिसकी फ़ोटो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ दिख रहे हैं, जो कि 2 कलर उन्होंने बता दिए हैं कि ये कलर वहाँ से लॉन्च होने वाले हैं। और इसकी प्री बुकिंग भी चालू हो चुकी है आज से, अमेजोन पे आप इसको प्री बुकिंग से ऑर्डर भी कर सकते हैं अमेजोन पे और जो जाके। पांचवा अपडेट बताने वाला हूँ दोस्तों, ये भी जियो की तरफ से। जियो ने अपना 5G स्पेक्ट्रम पूरी तरह से बिछाना चालू कर दिया और मोस्टली बिछ भी चुके हैं, बस इनको गवर्नमेंट की परमिशन मिलने के बाद जियो 5G की टेस्टिंग चालू कर देगा, और ये अपने एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले टेस्टिंग देना चालू कर देगा, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि अपने जल्दी अपने इंडिया में जियो 5G जो लॉन्च सिक्स कर दोस्तों दोस्तों। ये है कि जियो की जो मीट ऐप लॉन्च की गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसको 50 मिलियन से लोगों ने ज़्यादा डाउनलोड कर लिया, इतना ज़्यादा पसंद कराया उस ऐप को, इतने ज़्यादा डाउनलोड कर लगाया, जो कि बिल्कुल जूम की तरह इस चक्कर में उसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी नया कुछ नया अपडेट जो मैंने करा आपको ज़रूर पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको कुछ गलत या कुछ कमी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों।